हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज आपको बहुत बढ़िया रुक एंडिंग के बारे में समझाऊंगा। रुक एंडिंग इज अ बेस्ट एंडिंग, क्योंकि ज़्यादातर गेम में रुक एंडिंग ज़्यादा आती है, रुक और पॉन एंडिंग। अब आप यहाँ पे ये पोजीशन वाइट ये गेम आसानी से जीत सकता है दोस्तों। कैसे? सबसे पहले वाइट खेलेगा C7, लेकिन इसमें कुछ ऐसे मूव्स है ब्लैक के पास जो गेम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर व्हाइट ने कुछ भी मिस्टेक किया तो गेम ड्रॉ हो जाएगी। C7 के बाद आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए कि कैसे ब्लैक उसे कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे पहला मूव ब्लैक देगा रुक D6 चेक। अब यहाँ पे किंग B5 फोर्स मूव है, किंग C5 बैड मूव है। आफ्टर किंग C5 सिंपल रुक D1 और उसके बाद आपने क्वीन बनाई तो स्क्यूअर से ब्लैक जीत जाएगा, और नहीं बनाई तो रुक C1 से पॉन को कंट्रोल कर लेगा और गेम हो जाएगी ड्रॉ। तो ये पोजीशन में बैक टू बैक मूव है दोस्तों। चेक में जहां पे जैसे आपने C7 किया, ब्लैक ने चेक दिया तो किंग B5। वाइट का विनिंग, और अंत तक देखिए दोस्तों, लास्ट तक ये पोजीशन में क्या क्या हो रहा है। रुक D5 चेक, अगर इस लाइन में किंग आया जैसे कि B6 और C4, मैंने बताया कि रुक पीछे आके स्क्यूअर से गेम को टर्न कर सकता है। यहां पे वाइट खेलेगा किंग B4, उसके बाद रुक D4 चेक। अब व्हाइट किंग B3, मजा तो अब आएगा, रुक D3 चेक। और यहां पे व्हाइट के पास बेस्ट ऑप्शन है किंग C2, लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुई दोस्तों। क्यों? ब्लैक के पास अभी भी होप है गेम ड्रॉ करने का, रुक C4। बहुत ही ब्रिलियंट मूव है ब्लैक की। अगर व्हाइट ने यहां पे क्वीन प्रमोट कर दी जैसे कि C8 क्वीन, तो रुक C4 विथ डबल अटैक आफ्टर क्वीन टेक C4 और गेम हो जाएगी ड्रॉ जैसे कि स्टेलमेट। तो यहां पे फिर से एक क्वेश्चन हुआ ब्लैक व्हाइट के लिए कि अब क्या करें। तो यहां पे व्हाइट रुक D4 पे जब ब्लैक खेलता है तो व्हाइट के लिए क्वेश्चन हुआ कि अब क्या करें। अगर वो वापस इस पे अटैक करता है तो सिंपल रुक D1 आ जाएगा, लेकिन अटैक करने से बेटर ऑप्शन है व्हाइट के पास, प्रमोशन करना है। लेकिन यहां पे रुक C8। अब दोस्तों रुक A8 चेकमेट की थ्रेट, तो इसे कैसे बचाया जाए? किंग अगर मूव करते हैं तो रुक A8 चेकमेट हो रहा है, तो ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है रुक A4, लेकिन आफ्टर किंग B3 ब्लैक शुड रिजाइन। दोस्तों रुक एंडिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप यहां पे व्हाइट गेम जीत सकता है, लेकिन व्हाइट अगर मिस्टेक करता है तो गेम ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि ब्लैक के पास एक रुक पॉन है और वो चार मूव में पॉन क्वीन बन रही है, प्रमोट हो रही है। उसे रोकना कैसे है? अगर आपने रुक G8 किया तो सिंपल ब्लैक विल मूव हिज किंग अप और किंग के साथ साथ पॉन आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले ये थियरी जान लीजिए कि कभी भी आपको गेम विन करना है तो सामने वाले के किंग को कट ऑफ कर दीजिए। सबसे पहले बेस्ट मूव है रुक G5 और ब्लैक रिजाइन, मतलब इसमें ब्लैक के पास अब कोई मूव नहीं है। जैसे कि अगर पॉन चलाता है तो नो वरी, आप किंग आगे ला सकते हो। पॉन आगे बढ़ता है तो किंग आपका पुश होगा। पॉन जब A2 पे आता है सिंपल रुक G1 आ जाएगा और किंग A5, देन रुक A1,
और उसके बाद सिंपल रुक टेक्स पॉन। तो ये सिंपल एंडिंग है, लेकिन आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो गेम आपके हाथ से चली जाएगी। इसीलिए मैंने ये मूव बताया आपको कि इसमें सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ध्यान रखिए। रुक एंडिंग बहुत ही बढ़िया है, और सभी लोग हमारे जब भी कंपटीशन में खेलता हूँ और चेस में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे यही कहते हैं कि मोजीद्रा धर्मेंद्र की रुक एंडिंग बहुत ही पावरफुल है। तो ऐसे ही स्टेप मैं आपको बताऊंगा जिससे आप जबरदस्त एंडिंग खेल सकोगे। तो रुक G5 फर्स्ट, कट ऑफ द किंग, और उसके बाद पॉन को कंट्रोल आसानी से कर सकते हो। बढ़िया रुक एंडिंग है दोस्तों। एक और पोजीशन है दोस्तों, इसमें वाइट खेलेगा किंग C4 फर्स्ट, ब्लैक विल रिप्लाई A2, किंग B3, और यहाँ पे ब्लैक ने अगर A1 क्वीन बनाई तो नेक्स्ट मूव में रुक H1 से चेकमेट है। तो ब्लैक नाइट प्रमोट करता है जैसे कि डायरेक्टली आपको चेक आ जाए। तो यहाँ पे आफ्टर किंग C3 और वाइट विन, क्योंकि अब ब्लैक कुछ भी करे जैसे कि किंग C1 सिंपल रुक H1 चेकमेट, और अगर उसने नाइट मूव किया तो रुक टेक्स नाइट और उसके बाद विनिंग है। दोस्तों इस सिचुएशन में मैंने बताया कि ब्लैक अगर किंग B1 जाता है तो गेम ब्लैक लॉस होगा, जैसे कि रुक H2 चेक व्हाइट ने दिया है। तो यहाँ पे किंग B1 में ब्लैक विल लॉस, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा। लेकिन इसी सिचुएशन में ब्लैक अगर ड्रॉ करना चाहता है तो सिंपल किंग A3 इज ड्रॉ, क्योंकि यहाँ पे किंग को एंट्री ही नहीं मिलेगी और नेक्स्ट स्टेप ब्लैक का A1 क्वीन है। तो व्हाइट को यहाँ पे फोर्सफुली रुक H1 खेलना पड़ेगा, और आफ्टर किंग B2 देन अगेन व्हाइट चेक देगा तो वापस से किंग A3, ये रिपीटेशन होता रहेगा। और अगर व्हाइट ने यहाँ से चेक दिया तो वापस से किंग B2, और कोई गेम में प्रोग्रेस नहीं होगा। तो सिंपल ड्रॉ है, लेकिन आप उसे कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो गेम लॉस हो जाओगे। जैसे कि पॉन बनाने की जो आप चाहत करते हो, रुक H2 में अगर आपने किंग B1 कर दिया तो फिर यहाँ पे सिंपल किंग B3 देन A1 नाइट, और यहाँ पे किंग C3 के बाद आपने देखा जैसे कि हम गेम हार जाते हैं। लेकिन मैंने जो बताया आपको कि पॉन को आपको प्रमोट नहीं करना है, सबसे पहले आपको किंग को एंट्री नहीं देनी है, खास ध्यान रखिए। ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आपके पास है, आप अगर ब्लैक से खेल रहे हो और ऐसी सिचुएशन है, सेम सिचुएशन अगर आप व्हाइट से खेल रहे हो तो अपोजिट साइड वही पोजीशन होगी, आपको मिरर देख लेना है। तो यहाँ पे जब चेक देता है तो कभी भी किंग को नीचे मत ले जाइए, किंग A3, और ये सिंपल ड्रॉ है, क्योंकि तो कुछ भी करे व्हाइट यहाँ पे विन नहीं कर सकता। दोस्तों ये सिचुएशन में आप अगर ब्लैक से खेल रहे हो तो मैं एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊंगा। तो सबसे पहले A5 बैड मूव है। क्यों बैड मूव है? आफ्टर रुक H5 हमने जैसे कि देखा कि आपका पॉन कंट्रोल हो जाएगा, किंग भी कंट्रोल हो जाएगा, और किंग नियर आके उसे कंट्रोल कर लेगा। और जब भी आपका पॉन सेकंड रैंक पे आ जाएगा, रुक H1 जाके और उसे कंट्रोल करके मार देगा। तो ये पोजीशन में A5 डज नॉट अलाउ। ब्लैक का किंग अगर B5 करता है तो भी गलत है। B5 क्यों बैड है? जैसे कि किंग B5, व्हाइट खेलेगा किंग F7, उसके बाद आप पॉन को साथ में ले जाते हो A5, यहाँ पे किंग E6, A4, किंग D5, और यहां से व्हाइट के कंट्रोल में गेम आ जाएगी। तो ये पोजीशन में क्या खेलना चाहिए? अब आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या खेलना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन है किंग C5। किंग C5 यानी किंग को D5 पे अलाउ नहीं करना है, और इस सिचुएशन में आप गेम ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि पोजीशन ये कहती है कि व्हाइट का किंग काफी दूर है और आपके पास एक आइसोलेटेड जो रुक पॉन है उसे आप प्रमोशन करके गेम को ड्रॉ में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों ये जो गेम है बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार एंडिंग। दो कनेक्टेड पॉन है, तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें ब्लैक टू प्ले है तो क्लियरली ब्लैक A2 पॉन मूव करेगा आफ्टर रुक टेक्स B2 देन A1 क्वीन,
और क्वीन वर्सेस रूक मोस्टली यहाँ पे सिंपल विनिंग है, रूक क्वीन भी हो जाता है। तो यहाँ पे अब आपको ये एंडिंग इंटरेस्टिंग है इसलिए कि इसे गेम व्हाइट ड्रॉ कर सकता है, पर कैसे ड्रॉ कर सकता है? व्हाइट का किंग तो बहुत ही दूर है, लेकिन पोजीशन ये कहती है कि इस गेम में कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। अगर ब्लैक प्रोग्रेस करना चाहेगा तो ब्लैक ये गेम लॉस हो सकता है। इसीलिए सबसे पहला मूव आप वीडियो पॉज करके खुद ही मूव सोचिए कि क्या होना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे किंग एफ फाइव फर्स्ट मूव, किंग एफ फाइव। अब यहाँ पे अगर ब्लैक ने ए टू किया तो रुक टेक्स बी टू, देन ए वन क्वीन, और यहाँ पे चेकमेट हो रही है रुक एक्स टू से। ब्रिलियंट एंड गेम, बहुत मुझे पसंद आई थी ये एंड गेम, इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे ब्लैक खेलेगा किंग एच फोर, किंग एच फोर के बाद व्हाइट खेलेगा किंग एफ फोर, अगेन सेम पोजिशन। अगर ए टू किया तो रुक टेक्स पॉन, देन रुक एच टू चेकमेट। तो ब्लैक खेलेगा किंग एच थ्री, यहां भी व्हाइट खेलेगा किंग एफ थ्री, फिर सेम सिचुएशन ए टू देन रुक चेकमेट। तो यहां पे किंग एच टू, अब ये किंग ई थ्री, अब ये कैसे किंग ई थ्री? अब तो मेट नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी ए टू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए टू पॉन मूव करने से दोनों पॉन मर जाता है चेक के साथ, और यहां पे गेम व्हाइट विन हो जाएगा। तो ब्लैक को खेलना पड़ेगा किंग जी टू, किंग अगर जी थ्री किया तो भी ब्लैक विल लॉस, क्योंकि यहां पे किंग रुक जी वन चेक, आफ्टर किंग एच फोर, फिर से किंग एच फोर, किंग एच थ्री, देन किंग एफ थ्री, किंग एच टू ब्लंडर मूव हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक विल कम इन जुगजॉन्ग, क्योंकि अब किंग एच थ्री भी नहीं पॉसिबल, रुक एच थ्री चेकमेट, और फोर्सफुली अगर पॉन मूव किया तो रुक टेक्स बी टू चेक, और दोनों पॉन मर जाएंगे, और फिर भी व्हाइट जीत जाएगा। तो इस सिचुएशन में जब व्हाइट किंग ई थ्री खेलता है तो ब्लैक के पास बेस्ट ऑप्शन है किंग जी टू ही खेलना पड़ेगा। अगर ब्लैक जीतना चाहता है तो जीत नहीं सकेगा, गेम लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे प्रोग्रेस क्या है, किंग डी थ्री, ब्लैक को कंपल्सरी किंग एफ टू, किंग एफ थ्री खेलना है। एफ टू खेलेगा तो ब्लैक पॉन पुश नहीं कर सकेगा। तो यहां पे हम देखते हैं किंग एफ थ्री, और उसके बाद फाइनल मूव है किंग सी थ्री, और गेम विल बी ड्रॉ, क्योंकि अब ए टू पॉसिबल नहीं है। आफ्टर ए टू सिंपल किंग टेक्स पॉन, और ए वन क्वीन में भी पॉन मर जाएगा, और पॉन टेक्स रुक में भी पॉन मर जाएगा। ब्रिलियंट ड्रॉ थी दोस्तों, इसीलिए आपको बताई, और मुझे मालूम है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा दोस्तों, इसीलिए एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिसने भी नहीं सब्सक्राइब किया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे एंड गेम के वीडियो मिस करेंगे, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय गुजरात।